नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार, दिन के 11 बज चुके हैं। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं, चलिए हेडलाइंस के साथ। तमिलनाडु के कल्ला कुरुची में नकली शराब पीने से 32 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती। मुख्यमंत्री ने दिए CBCID के जांच के आदेश। प्रधानमंत्री मोदी का आज जम्मू कश्मीर दौरा, करोड़ों रुपए के विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास, स्वागत की जोरदार तैयारियां। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर श्रीलंका के दौरे पर, कोलंबो में द्विपक्षीय साझेदारी से जुड़े तमाम मुद्दों पर होगी बातचीत। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल पर बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की मांग। बेंगलुरु में बीजेपी ने सरकार के खिलाफ पार्टी दफ्तर से विधानसभा तक निकाली साइकिल रैली। पहाड़ों से लेकर मैदान तक मौसम के तेवर में कुछ नरमी। हिमाचल और कश्मीर में बर्फबारी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में बारिश। दिल्ली NCR में भी भीषण गर्मी से मिली थोड़ी सी राहत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले देश विदेश में मची योग की धूम। Washington DC में भी लोगों ने उत्साह के साथ किया योगाभ्यास। T20 विश्व कप के सुपर 8 में आज दो अहम मुकाबले, भारत अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज इंग्लैंड के बीच होगी भिड़ंत। बड़ी खबर आ रही है नीट केस से जुड़ी हुई, और नीट केस में जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके तार अब तेजस्वी यादव से जुड़े होने का शक जताया गया है, और यह सनसनीखेज बयान दिया है बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा ने। उन्होंने कहा कि विभागीय समीक्षा के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। गेस्ट हाउस में बुकिंग कराने वाला कौन था इसकी भी जांच होगी। विजय सिन्हा का आरोप है कि तेजस्वी के PS प्रीतम के कहने पर ही पेपर लीक मामले में शामिल एक कैंडिडेट के लिए NHAI का गेस्ट हाउस का दरवाजा खुला था। पकड़ाए हैं कोई जदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं, और हमारे विभाग के अंदर चुनाव के कारण बहुत लोग की जानकारी भी हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं। एक समीक्षा करके जो लोग इसमें दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी, और ये बताना पड़ेगा जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके PA से, उनसे जुड़े लोग हैं जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। और मैं अपने विभाग में भी सख्त चेतावनी दिया हूं और कार्रवाई भी करूंगा कि किन लोगों के इशारे पर ये बुकिंग हो रही थी। ऐसे लोगों की हम जिम्मेवारी भी तय करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। और इस पूरे मामले पर मधुरेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से जानकारी के लिए। मधुरेश, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। ये क्या है मामला, और अब नीट परीक्षा को लेकर के जो आरोपी पकड़े गए हैं उनका कैसे संबंध दिखाई दे रहा है तेजस्वी यादव के साथ? अजय जी, ये जो पूरा मामला है, ये नीट परीक्षा के 5 मई को नीट की जब परीक्षा आयोजित की गई थी, उसी रात को पुलिस को शाम के समय ये खबर मिली कि जो परीक्षा थी के जो पेपर थे वो लीक हो गए, और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। इसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, इसी में से एक अनुराग यादव नाम के एक अभ्यर्थी को भी गिरफ्तार किया गया था। ऐसा सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि वो NHAI के गेस्ट हाउस में रुका हुआ था, और NHAI का जो गेस्ट हाउस बुक करवाया गया था वो कथित रूप से तेजस्वी यादव के PA के प्रीतम हैं उनके कहने पे किया गया था। हालांकि अभी इस मामले में जांच एजेंसी की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन डिप्टी CM ने ये बात कही है
अभी तक जो आर्थिक अपराध इकाई बिहार पुलिस की है उसके द्वारा जो जांच की गई है उसमें कई मामले सामने आए हैं, जिसमें एक अनुराग यादव ने इस बात को का कबूलनामा दिया है कि उसके पास एक दिन पहले पेपर उसके चाचा के माध्यम से पहुंच गया था और वो हूबहू प्रश्न आए थे जिसे उसने रात में याद किया था। इसके अलावा भी आर्थिक अपराध इकाई ने 11 लोगों को नोटिस दिया था पूछताछ के लिए और ये नोटिस में 18 और 19 तारीख को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 18 तारीख को कोई भी अभ्यर्थी पूछताछ में शामिल होने के लिए वहां नहीं पहुंचा, लेकिन 19 तारीख को दो छात्राएं जो अभ्यर्थी थी वहां पे पूछताछ में शामिल होने के लिए आईं और उन्होंने लगभग उनसे लगभग 3 घंटे के आसपास तक कल पूछताछ की गई और उसके बाद उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी गई। हालांकि इस मामले में अभी जो जांच एजेंसी है वो बहुत सघन रूप से जांच कर रही है और वो कोई भी लूप होल छोड़ना नहीं चाहती है। दूसरी तरफ सरकार के द्वारा भी जो बिहार सरकार और आर्थिक अपराध इकाई है उससे केंद्र सरकार के द्वारा जो सबूत हैं जो अभी तक की फाइंडिंग्स है वो मांगी गई है। मदरेश, इस मामले में जो अनुराग यादव जिनको गिरफ्तार किया गया है उनके अलावा भी कुछ गिरफ्तारी हुई है और बड़ी बात यह कि अनुराग यादव ने अपने कबूलनामे में क्या क्या कहा और कैसे ये पूरा लीक का जो मामला है वो सामने आया। ये जो पूरा लीक का मामला है ये 5 मई को सामने आया था जैसा कि मैंने अभी आपको बताया और एक प्ले स्कूल में जो बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई बिहार पुलिस को पहले इस बारे में सूचना मिली थी कि कुछ लोगों को क्वेश्चन के आंसर रात में रटवाए गए हैं, जिसके बाद बिहार पुलिस की शास्त्री नगर थाना के जो थाना अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में कार्रवाई की गई और वहां से लगभग 8 से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी। उसी में ये अनुराग ठाकुर अनुराग यादव भी शामिल हैं और इसके पुलिस को वहां जांच के क्रम में कुछ जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे, तो ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर भी मिली है कि जो आर्थिक अपराध इकाई है उसने एनटीए से जो मूल प्रश्न पत्र है वो मांगा है और जैसे वो मूल प्रश्न पत्र एनटीए के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तो ये भी साफ हो जाएगा कि जो प्रश्न पत्र वहां जले हुए मिले थे वो जो जो प्रश्न पत्र आए उसी से वही वो प्रश्न पत्र था। तो कुल मिलाकर के इस मामले में जो 8-9 लोग जो 9 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं उनसे जो भी आर्थिक अपराध इकाई को जानकारी मिल रही है, हालांकि इसे अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि उनमें जो ये पूरी तरह से क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। मदरेश जी, ये भी खबर थी बीच में कि जो आर्थिक अपराध इकाई है पटना की वो दिल्ली भी आई और यहाँ से भी उन्होंने जो जांच है उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, तो अब नीट जो जो जांच जो परीक्षा कराने वाली संस्था है उसके साथ मिलकर के भी क्या अभी ये जांच लगातार जारी है और कब तक ये जांच पूरी हो सकती है, कुछ इंडिकेशन मिला है आपको? ये जांच की तो निश्चित रूप से प्रक्रिया जो है वो थोड़ी लंबी चल सकती है लेकिन जो फाइंडिंग्स है ये जल्द ही क्लियर हो जाएगा कि पेपर लीक हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई के एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी और एक डीएसी रैंक के अधिकारी पटना से दिल्ली गए थे और उन्होंने एनटीए से जो प्रश्न पत्र है उसके बारे में जानकारी ली है, तो संभावित रूप से 1 से 2 दिनों में ये जो प्रश्न पत्र का मिलान है वो भी कर लिया जाएगा, जिसके बाद में हो सकता है कि आर्थिक अपराध इकाई जो है वो जल्द ही कुछ लोगों को जानकारी दे। मदरेश, बहुत धन्यवाद। आप कह रहे हैं 1 से 2 दिनों में शायद इस बात पर और भी खुलासा हो सकता है कि वाकई पेपर लीक हुआ था या नहीं और उसके बाद अदालत में भी ये मामला पहुंचने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में कल्लाकुर्ची ज़िले में आज एक बहुत ही दर्दनाक खबर आ रही है। वहाँ अवैध शराब पीने से कम 32 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। 70 से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अब इस पूरे मामले की CBCID जांच करेगी। बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। नमूने में घातक मात्रा में मेथिनॉल पाया गया है। कल्लाकुर्ची के सरकारी मेडिकल कॉलेज में जो अस्पताल है उसमें लोग भर्ती हैं। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा है कि इसे रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अपराध में शामिल लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
राज्यपाल R.N. रवि ने मौतों पर शोक व्यक्त किया और पीड़ितों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज जन्मदिवस है। इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली स्थित जगन्नाथ मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना की। दिल्ली के हौज खास में स्थित ये जगन्नाथ भगवान का मंदिर, और जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रपति जी उड़ीसा से आती हैं, भगवान जगन्नाथ के प्रति उनकी गहरी आस्था और विश्वास, और आज अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर उन्होंने पूजा अर्चना और आरती के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात की है। उपराष्ट्रपति ने द्रौपदी मुर्मू जी को जन्मदिन की बधाई दी है, साथ ही साथ उन्होंने सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रपति जी के समृद्ध योगदान को याद किया और उनके लंबे, सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। और राष्ट्रपति जी के जन्मदिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पोस्ट पर लिखा, और मैं कोट करता हूं, राष्ट्रपति जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे राष्ट्र के प्रति उनकी अनुकरणीय सेवा और समर्पण हम सभी को प्रेरित करता है। उनकी बुद्धिमत्ता, गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों की सेवा करने पर जोर एक मजबूत मार्गदर्शक शक्ति है। उनकी जीवन यात्रा करोड़ों लोगों को उम्मीद देती है। भारत उनके अथक प्रयासों और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए हमेशा उनका आभारी रहेगा। उनकी लंबी और सेहतमंद जीवन की कामना करता हूं। और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपना 66वां जन्मदिवस मना रही हैं। ओडिशा के एक संथाली आदिवासी परिवार में जन्मी महामहिम द्रौपदी मुर्मू का अब तक का सफर बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। उनके जन्मदिन पर आइए एक नजर डालते हैं उनके जीवन के अब तक के सफर पर। देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ था। अपने गांव के स्कूल से प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद वे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए भुवनेश्वर गईं। उन्होंने रमा देवी महिला महाविद्यालय भुवनेश्वर से कला विषय में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे अपने गाँव से कॉलेज जाने वाली पहली बालिका बनी। वर्ष 1981 में द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्यामा चरण मुर्मू से हुआ, जो एक बैंक अधिकारी थे। उनकी एक पुत्री है जिसका नाम इतश्री मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 1979 से 1983 तक ओडिशा सरकार के सिंचाई और बिजली विभाग में बतौर कनिष्ठ सहायक के रूप में कार्य किया। इसके बाद वर्ष 1994 से 1997 तक उन्होंने श्री अरविंद इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रायरंगपुर में मार्ग शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी। वर्ष 2000 में श्रीमती मुर्मू रायरंगपुर निर्वाचन क्षेत्र से ओडिशा विधानसभा के सदस्य के रूप में चुनी गई और 2009 तक दो कार्यकालों के लिए विधायक रहीं। इस अवधि के दौरान उन्होंने 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक ओडिशा सरकार के वाणिज्य और परिवहन विभाग की राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में तथा 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में भी कार्य किया। 2007 में उन्हें ओडिशा विधानसभा द्वारा पंडित नीलकंठ दास सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान से विभूषित किया गया। श्रीमती मुर्मू को 18 मई 2015 को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वे उस आदिवासी बहुल राज्य की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल बनी, लेकिन उनके व्यक्तित्व और कृतित्व ने उन्हें देश का प्रथम नागरिक के रूप में विराजमान कर दिया। आखिरकार द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। यही नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय हैं। उनके दूरदर्शी सोच और देश की बेहतरी के लिए किए गए कार्य आने वाली पीढ़ियों को सदियों तक प्रेरित करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अब पीएम मोदी आज से जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे। उनके स्वागत की यहां जोरदार तैयारियां की गई हैं। पीएम आज केंद्र शासित प्रदेश को विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम जो 21 जून को श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा उसमें भी हिस्सा लेंगे।
श्रीनगर के शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह। कभी आतंक का गढ़ रही कश्मीर की धरती से पूरी दुनिया को योग के जरिए शांति का संदेश दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम श्रीनगर में शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में युवाओं को सशक्त बनाना, जम्मू कश्मीर को बदलना कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। वह कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक सुधार परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं 21 जून की सुबह प्रधानमंत्री श्रीनगर में शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद योग सत्र में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में कई खिलाड़ियों सहित हजारों लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। इस विशाल अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए जम्मू कश्मीर में तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आएंगे। इसके लिए प्रशासन और आयुष मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्रीनगर आ रहे हैं। प्रशासन ने और आयुष मंत्रालय ने मिलकर के उसकी तैयारियां अच्छे ढंग से कर ली हैं। मुख्य कार्यक्रम डल लेक के किनारे SKICC के पास होगा। सभी जो 20 जिला केंद्र हैं वहाँ भी अच्छी संख्या में योग प्रेमी इकट्ठे होंगे और जो प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय ने बनाया है उस हिसाब से योग किया जाएगा। मेरा अनुमान है कि SKICC में जो मुख्य कार्यक्रम है वहाँ 7,000 के आसपास योग प्रेमी जुटेंगे। उपराज्यपाल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में लगभग 23 से 24 करोड़ लोगों ने योग करके संपूर्ण विश्व में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस बार का जो थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं के लिए और समाज के लिए। मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से इससे एक नए प्रकार की जागरूकता भी पैदा हो रही है। पिछले 10 वर्षों में मुझे लगता है कि लगभग 23-24 करोड़ लोगों ने अब तक योग करके एक नया विश्व कीर्तिमान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उम्मीद है कि 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए देश दुनिया के कई लोग योग से जुड़ेंगे। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, जम्मू कश्मीर, DD न्यूज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज श्रीलंका के आधिकारिक दौरे पर कोलंबो पहुंच चुके हैं। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री दोनों देशों के बीच साझेदारी के व्यापक मुद्दों पर श्रीलंका के नेतृत्व के साथ बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद विदेश मंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत ये यात्रा श्रीलंका को अपने निकटतम समुद्री पड़ोसी और मित्र के रूप में भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इस यात्रा से कनेक्टिविटी, परियोजनाओं और सभी क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से सहयोग को भी गति मिलेगी। दिल्ली के असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक पेड़ मां के नाम इस अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना समेत तमाम गणमान्य लोगों ने पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने में दिल्ली के लोग और पूरा देश भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं और उन्होंने इस अभियान का हिस्सा बनने और एक पौधा लगाने की अपील की। भारत ने 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के बाद इस क्षेत्र में दुनिया के सामने जो लक्ष्य दिए जाते हैं उन लक्ष्यों को समय से 9 साल पहले पूरा करने का जो सफलता हासिल करी है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के कारण इस देश को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने रिन्यूएबल क्षेत्र में अपनी क्षमता को बढ़ाया है। हमने कार्बन उत्सर्जन कम करने के विषय में अपना इकोनॉमी का ग्रोथ ग्रीन ग्रोथ के साथ करने का एक अच्छा कार्य किया। लेकिन जो ग्रीन कवर बढ़ाने का विषय है उसके लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे
दुनिया में एक अभियान दिया गया है, एक पेड़ माँ के नाम। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि हम पौधे तो लगाते हैं लेकिन वो जो काले प्लास्टिक कवर में आते हैं, वृक्षारोपण के बाद उन काले प्लास्टिक्स को जंगलों में फेंक दिया जाता है और फिर वो नदियों और नालों में चले जाते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचता है। उन्होंने सलाह दी कि प्लास्टिक की जगह गाय के गोबर के छोटे छोटे गमले में पौधे लगाए जाएं। बीते एक महीने से हम सभी दिल्ली वासी और पूरा देश प्रचंड गर्मी से जूझ रहा है और इसे सहन करने को मजबूर है। दिल्ली में तापमान 52 डिग्री तक पहुंच गया है, पानी का जलस्तर दिन ब दिन गिर रहा है। यह हम सभी के लिए बड़े खतरे की आहट है। यह इस बात को भी बताता है कि हम अपनी धरती माँ के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मेरी ना केवल आपसे बल्कि पूरी दिल्ली और देशवासियों से यह अपील है कि वो इस अभियान से जुड़ें और अपने आसपास जहां कहीं भी जगह हो वहां एक पेड़ जरूर लगाएं। और खबर कर्नाटक से, जहां सिद्धारमैया सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। इस फैसले के खिलाफ अब बीजेपी पूरी तरह से मोर्चा संभाल चुकी हुई। आज भी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली। पार्टी कार्यालय से विधान सौध तक ये साइकिल रैली निकाली गई। इस दौरान पुलिस ने विजेंद्र को हिरासत में भी ले लिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने पिछले हफ्ते ईंधन पर खुदरा बिक्री कर बढ़ा दिया था, जिससे पेट्रोल के दाम 3 रुपये और डीजल के 3.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ चुके थे। देश की राजधानी दिल्ली में पानी के लिए जनता त्राही त्राही कर रही है। दिल्ली में जल संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है। लोगों को पीने के पानी के लिए घंटों लाइंस में खड़े होकर के टैंकर से पानी का इंतज़ार करना पड़ रहा है। अब दिल्ली सरकार ने समस्या का निराकरण करने के बजाय आरोप मढ़ने में व्यस्त दिखाई दे रही है। कल बीजेपी ने दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। केजरीवाल सरकार पर लापरवाही और 600 करोड़ के फायदे वाली दिल्ली जल बोर्ड को घाटे में ले जाने का आरोप लगाया। आज भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर फिर से निशाना साधा है। दिल्ली में गिरते हुए भूजल की यानी ग्राउंड वाटर लेवल की चिंता क्या अरविंद केजरीवाल आपने की है? इसको ठीक किया जा सकता है। उसका सबसे अच्छा और सबसे प्रभावी कार्रवाई है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लेकिन वो आपसे कैसे होगी? लेकिन आपको इससे क्या, आप तो ब्लेम गेम, पीएम को गाली देना, अपनी जिम्मेदारियों से अपने को हटा करके मुद्दे को डाइवर्ट करना, इससे आपको फुर्सत नहीं है। आज जमुना जी भी सूखी हुई हैं। जमुना जी में जो बह रहा है वो नाले का पानी बह रहा है। क्या आपने कभी चिंता की कि जमुना जी में हर साल आने वाले पानी को कैसे रोका जाए? और गंभीर रिपोर्ट्स आई हैं इस बात को भी लेकर के दिल्ली में जो अंडरग्राउंड जो लेवल है वाटर का, वो बहुत नीचे जा चुका है और करीब करीब 99% पानी का निष्कासन किया जा चुका है। ये भी एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर है और पानी की किल्लत अब भी लगातार जारी है। वहीं असम की बात करें तो करीमगंज जिले में बाढ़ की स्थिति अब भी बनी हुई है। बराक घाटी में करीमगंज सबसे ज़्यादा प्रभावित है और केवल इसी ज़िले में 2,45,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लगभग 2,50,000 घरेलू पशु भी प्रभावित हुए हैं। हालांकि कोई भी जानवर के बहने की खबर नहीं है। करीमगंज में बचाव कर्मियों ने 73 लोगों और 25 जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। फिलहाल लगाए गए 105 राहत शिविरों में पूरे असम से 12,000 से ज़्यादा लोगों ने शरण ली है। आज भी असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। साथ ही उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। नीट परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। एनटीए ने अलग अलग उच्च न्यायालयों से लंबित सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए अर्जी दाखिल की है। वहीं 8 अन्य याचिकाओं में नीट परीक्षाओं में गड़बड़ी का हवाला देते हुए परीक्षा को रद्द किए जाने और सीबीआई या कोर्ट की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी की जाँच की मांग की गई है।
कोर्ट में पहले से दायर हुई सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। पहाड़ी इलाकों में अब मौसम बदल रहा है। हिमाचल के शिमला, धर्मशाला, मंडी समेत कुछ और जिलों में तेज बारिश हुई, तो वहीं पर धर्मशाला के धौलागार पर्वत पर ताज़ा बर्फबारी भी देखने को मिली है। भरमौर, मणिमहेश की चोटियों पर हिमपात देखने को मिला। उधर जम्मू कश्मीर के गुरेज घाटी में बेमौसम बर्फबारी ने पर्यटकों को भी चौंका दिया। कुल मिलाकर के अब पहाड़ों पर मौसम गुलजार नजर आ रहा है। दिल्ली NCR में भी बीती रात तेज हवाओं से लोगों को थोड़ी सी राहत मिली। दिल्ली समेत आसपास के क्षेत्रों में मौसम में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है, जिससे मौसम थोड़ा सा खुशनुमा बना है। अगले 3-4 दिनों में राजधानी दिल्ली और NCR में बादल के साथ हल्की बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर भारत में गर्मी का स्तर रेड जोन से नीचे ऑरेंज जोन की सीमा में आ गया है। हालांकि पंजाब और दिल्ली के कई हिस्सों में, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अधिकतम तापमान अभी भी सामान्य से थोड़ा ज़्यादा यानी 43 से 45 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने जून 2024 के लिए अपना मासिक बुलेटिन जारी कर दिया है, जिसमें भारत की GDP वृद्धि, अर्थव्यवस्था की स्थिति और मुद्रास्फीति पर प्रकाश डाला गया है। बुलेटिन में कहा गया है कि पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती बनी हुई है। अप्रैल जून तिमाही में GDP विकास दर 7.4% रह सकती है। हाई फ्रीक्वेंसी डेटा ये बताते हैं कि अर्थव्यवस्था में मजबूत मांग बनी हुई है और ये सभी सेक्टर्स में नज़र आ रही है। महंगाई पर अगर निगाह डालें तो उम्मीद जताई गई है कि इस साल 4.5% की औसत महंगाई दर होगी, जो बीते साल 5.4% रही थी। खेतीबाड़ी के लिए बेहतर संभावनाओं की उम्मीद और मानसून में भी सुधार की उम्मीद जताई गई है RBI के बुलेटिन में। अच्छी खबर यह है कि नेट एक्सपोर्ट का जो GDP में बढ़ता योगदान हो उसको सुखद और सकारात्मक बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि भू राजनीतिक जोखिमों के बावजूद GDP में 7.2% की वृद्धि की उम्मीद नजर आ रही है। मौद्रिक नीति समिति को भारतीय अर्थव्यवस्था में और अधिक निवेश की उम्मीद है और कॉरपोरेट अगर बैलेंस शीट की बात करें तो वो काफ़ी मजबूत बनी हुई है और दूसरी निवेश की गतिविधियों में भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बैंकों और कॉरपोरेट्स का नीतिगत सुधारों पर जोर है जो अर्थव्यवस्था को और मजबूती देगा। साथ ही साथ बुनियादी ढांचे पर जो खर्च लगातार दिख रहा है और बढ़ता कारोबार उम्मीद भरा रुख अर्थव्यवस्था के लिए दिखा रहा है। राष्ट्रीय जो सर्वेक्षण संगठन है NSSO ने घरेलू उपभोग और खर्चे को लेकर के एक नया सर्वेक्षण जारी किया है। इसके अनुसार उपभोक्ताओं द्वारा खर्च करने के पैटर्न में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खाने पीने के खर्च में काफ़ी गिरावट आई है। भारत में घरेलू खर्चे का जो आधिकारिक सर्वे है उसके मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक खर्च बढ़ा है, शहरों में भी यह स्थिति है। और गांवों में खर्च 40% बढ़ा और शहरों में 33%। जो अंतर है गाँव और शहरों के बीच का, 11-12 में 84% था, अब ये अंतर घटा है 71% पर आ गया है। गाँव और शहरों में खाद्य पदार्थों के उपभोग में कमी आई है और नॉन फूड आइटम्स इनका कंजम्पशन बढ़ा है। खाद्य पदार्थों पर जो खर्च है वो घटा है, गांवों में 46% और शहरों में 39% के स्तर पर आ गया है। खाद्य पदार्थों में भी बात करें तो अनाज पर खर्च घटा है और लोग प्रोसेस्ड फूड, दूध, रिफ्रेशमेंट, फल, सब्जियां और अंडों पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। गाँव में ये जो गैर खाद्य पदार्थ हैं उसमें खर्च बढ़ा है, 54% हो गया है और शहरों में 61%। गैर खाद्य वस्तु में बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन पर गाँव में सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है, उसके बाद मेडिकल बिल पर सबसे ज़्यादा खर्च गाँव में होता है। शहरों की बात करें तो परिवहन, मनोरंजन और रेंटल जो दिए जाते हैं किराए पर सबसे ज़्यादा खर्च दिखा है। तो ये जो नए आंकड़े हैं, जो सर्वे हैं, वो गाँव और शहरों के बीच जो खाई थी इनकम की और जो खर्च करने की प्रवृत्ति है उस कमी को और भी कम करते हुए दिखाता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहतर संकेत है। और अब आइए नज़र डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महाराष्ट्र के वधावन में हर मौसम के लिए अनुकूल नया बंदरगाह बनाने के लिए 76,200 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने वाराणसी हवाई अड्डे के विकास के लिए 2,869 करोड़ रुपए और अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 7,453 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक यानी डीसीबी के बिल और घरेलू स्टार्टअप पर इसके प्रभाव पर इनपुट लेने के लिए प्रमुख थिंक टैंक से मुलाकात की। मंत्रालय ने उद्योग लॉबी समूहों के साथ इस बैठक में इस बिल से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की और आगे की योजनाओं के लिए सुझाव लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 से 2028-29 की अवधि के दौरान करीब 22,000 करोड़ की कुल वित्तीय परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ब्रिटेन की दूरसंचार दिग्गज वोडाफोन पीएलसी ने टावर मैनेजमेंट कंपनी इंडस टावर्स के लिए 48.47 करोड़ शेयर यानी 18% हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिए बेचकर 15,300 करोड़ रुपए जुटा लिए। जेपी मॉर्गन के अनुसार यह रकम वोडाफोन समूह के मौजूदा लेनदारों के कर्ज भुगतान में जाएगी। टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली लग्जरी वाहन कंपनी जगुआर लैंड रोवर ने वित्त वर्ष 2028 तक निवेश की अपनी योजना में बदलाव करते हुए करीब 1.9 लाख करोड़ रुपए लगाने की योजना बनाई है। इसका बड़ा हिस्सा नए उत्पाद तैयार करने पर खर्च होगा। भारतीय स्टेट बैंक ने चालू वित्त वर्ष के दौरान लंबी अवधि के बॉन्ड के जरिए 20,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की योजना बनाई है। बैंक इस रकम का उपयोग बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सस्ते मकानों के लिए उधारी देने में करेगा। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों और भविष्य की महामारियों से निपटने की क्षमता में सुधार के लिए 1,418 करोड़ रुपए से अधिक की नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी। भारत के साथ समग्र आर्थिक सहयोग समझौता अगले 6 से 7 महीने में पूरा करने पर ऑस्ट्रेलिया जोर दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया में मई 2025 में चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए चुनाव के पहले बातचीत पूरी करने का इच्छुक है। इस वजह से सरकार का ध्यान खासकर फरवरी और उसके बाद से स्थानीय मुद्दों पर है। वेदांता लिमिटेड ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 25% की कटौती करने के लिए $5 अरब खर्च करने की योजना बनाई है, जिसका लक्ष्य 2050 तक कार्बन शुद्ध तटस्थ होना है। इसका लक्ष्य 2030 तक 2.5 गीगावाट 2400 घंटे नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य है, जिसमें 838 मेगावाट निर्माणाधीन है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी आशीष कुमार चौहान ने भरोसा जताया कि युवा आबादी और प्रौद्योगिकी विकास के दम पर अगले 50 साल में भारत की संपत्ति 1000% बढ़ जाएगी। चौहान ने अहमदाबाद के निकट भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान के 23वें दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए बात कही। आदित्य बिरला ग्रुप वेंचर के स्वामित्व वाले ई कॉमर्स रोलअप वेंचर TMRW हाउस ऑफ बॉन्ड्स ने एक्सेल और क्रिकेटर विराट कोहली द्वारा समर्थित मेंस वियर ब्रांड रोगन में 125 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और अब समय है योग से जुड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने का। कृषि विभाग से ड्राफ्ट्समैन के पद से रिटायर हुए योगाचार्य अमरनाथ ने अपना जीवन अब योग को समर्पित कर दिया है। विभाग से सर्विस के दौरान ही उन्होंने प्राकृतिक योग की क्रियाओं को अपने जीवन में अंगीकार कर बीमारियों को एक तरह से अपने आप से दूर ही रखा। इकारे शरीर वाले अमरनाथ ने अपने कठिन व्यायाम को बचपन से ही सीख लिया था और उनका नियमित अभ्यास करना उनकी दैनिक रोजमर्रा की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन गया था। अमरनाथ ने योग की विधियाँ स्वयं भारत योग संस्थान से सीखी और अब ओम योग साधना केंद्र के नाम से चला रहे हैं। 30 सालों से केंद्र चलाया हुआ है यहाँ पर और बहुत कम संख्या थी पहले। मेरा प्रयास और इनका प्रेम साधकों का धीरे धीरे बढ़ता चला गया और आज पूरी संख्या है और निःशुल्क भाव से मैं ये कार्य करता हूँ। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से योग किया था, उससे तो मुझे और प्रेरणा मिली है, मुझे और हौसला हुआ है कि मेरी संख्या बढ़े, मैं तय दिल से निःशुल्क किसी ये समाज सेवा कर सकूं, ताकि हमारा मोदी जी का परिणाम है कि हमारा विश्वगुरु योग में भारतवर्ष विश्वगुरु रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः की धारणा को लेकर चले हुए हैं, प्रत्येक मनुष्य निरोग रहे, स्वस्थ रहे, कोई भी बीमार ना हो। और यहाँ पर योग करने वाले लोगों ने भी बताया कि किस तरह से वो योग के माध्यम से अपने स्वास्थ्य में सुधार कर रहे हैं और किस प्रकार से उन्हें तनाव से भी मुक्ति मिली है। साथ ही साथ उन्होंने आम लोगों को संदेश भी दिया कि सभी लोग योग करें और स्वस्थ रहें। जैसे जिंदा रहने के लिए हवा और पानी की ज़रूरत है, उसके बिना आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता, इसी तरह योग भी इतना ही ज़रूरी है। और बीमारियों से बचने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग जो है ना जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 साल से मैं दमे से पीड़ित था, सभी डॉक्टरों से मैंने इलाज करा परंतु मेरे को कोई विशेष आराम नहीं हुआ। तब मैं योगाचार्य अमरनाथ के पास आया तो यहाँ पर योग करना आरंभ किया
काफ़ी समय से मैं यहाँ आ रहा हूँ, अब मुझे 80% से भी ज़्यादा लाभ हो चुका है। उस समय की बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, बहुत ज़्यादा हर समय सांस फूलता था, लेकिन ये आने के बाद बिल्कुल अस्थमा, घुटने में दर्द था, घुटने सब कुछ ठीक हो गया, यहाँ बड़ा आनंद आता है। बहुत बीमार रहती थी, बहुत ही ज़्यादा बीमार थी, मेरा शुगर भी था, सारी बीमारी मेरी दूर हो गई और मैं तो इनके साथ बहुत ही स्वस्थ हूँ। मेरे 70 साल की उम्र है जी, मैं ऐसे दौड़ती हूँ जैसे बच्चा दौड़ता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 से पहले मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने इस योग महोत्सव का आयोजन किया है। भारतीय दूतावास ने 14 जून 2024 को युवा और खेल मंत्रालय के सहयोग से बगदाद में स्वयं और समाज के लिए योग इस थीम के साथ 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया और अलग अलग क्षेत्रों से 500 से ज़्यादा योग प्रेमियों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। इस अवसर पर राजदूत प्रशांत पिसे ने इराकी मीडिया से बातचीत की और सभी के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योग और इसके लाभों के बारे में बताया। साथ ही भारतीय दूतावास बगदाद द्वारा एक योग आसन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया और सभी विजेताओं को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। युवा एवं खेल मंत्रालय में शारीरिक शिक्षा एवं खेल निदेशक डॉक्टर मुवफ़ाक अब्दुल वहाब ने कार्यक्रम के उत्सव में हिस्सा लिया और योग का आनंद लिया। इस उत्सव को इराकी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़े पैमाने पर कवर किया गया था। उधर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में भी भारतीय दूतावास द्वारा 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले भव्य योग सत्र का आयोजन किया गया। शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ाने के लिए योग एक अत्यंत शक्तिशाली माध्यम है। इसी को लेकर के न्यूयॉर्क में भारतीय दूतावास ने प्रसिद्ध पब्लिक लाइब्रेरी के पास ब्रायंट पार्क में आकर्षक योग सत्र का आयोजन किया है। वहीं न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित सेंट्रल पार्क में भी महिलाओं के लिए एक विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। योग सत्र का नेतृत्व स्वामी ब्रह्मनिष्ठानंद जी ने किया। योग भारत की प्राचीन और एक समृद्ध परंपरा है जो हमारे जीवन में स्वास्थ्य, खुशियां और शांति लाता है। आज योग के इन्हीं उद्देश्यों और योग चिकित्सा के बारे में बात की हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र ने योगाचार्य ढाकाराम जी से। नमस्कार, योग संवादार्थ आज हमारे साथ हैं योगाचार्य ढाकाराम जी। नमस्कार आपका। नमस्कार। योग को हम मानते हैं कि यह शरीर के सौष्ठव के लिए बहुत अधिक लाभप्रद होता है और साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि मानसिक शांति में भी योग का बड़ा योगदान है और साथ ही साथ यह भी एक मान्यता है कि आध्यात्मिक चेतना के विकास के लिए भी योग की बड़ी महत्ता है। तो मैं इस बारे में आपका अनुभव जानना चाहूँगा। मुझे लगता है कि योग जो है हमारे शरीर के सौष्ठवता के साथ मन का सौष्ठव और हमारे आत्मा का सौष्ठव भी करता है जी। तो योग से हमारे शरीर का संपूर्ण विकास कैसे हुआ? शरीर से, मन से और आत्मा से। तो पहले हम शरीर पर आते हैं। जब हम विभिन्न प्रकार के आसन और क्रियाएं करते हैं तो शरीर की सौष्ठव बढ़ने के साथ शरीर के प्रत्येक जॉइंट्स के लिए, प्रत्येक मांसपेशियों के लिए और मैं कहता हूँ शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंगों के लिए योग आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा शरीर, हमारा श्वास और हमारा मन एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं जी। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, श्वास की लंबाई बढ़ती है। तो कहते हैं ना प्राणायाम, प्राण का आयाम करना, प्राण शक्ति को बढ़ाना, प्राण ऊर्जा को बढ़ाना। जब हमारा प्राणायाम करते हैं तो हमारा मन का शुद्धिकरण होता है, जिससे आसनों से शरीर का शुद्धिकरण। तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो हमारा जो आत्मा है, आत्मा के लिए क्या करते हैं? ध्यान। तो हम अगर हम एक्चुअल योग की बात करते हैं तो हमको शरीर से फिट रहना, मन से स्वस्थ रहना और आत्मा का शुद्धिकरण करना। और आत्मा का शुद्धिकरण का मतलब है हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना। आमतौर पर योग को चिकित्सा से जोड़कर देखते हैं जी। मतलब रोगों को दूर कैसे करें, इसमें योग की कितनी भागीदारी होगी, इसको आप बड़े अच्छे तरीके से व्याख्यायित करते हैं, बल्कि आप प्रायोगिक रूप से इसे दिखाते भी हैं, वो किस तरीके से?
मेडिकल योगा का कहना है कि जहाँ पर भी हमारे शरीर में प्राण शक्ति की कमी होगी, प्राण ऊर्जा की कमी हुई या प्राण वायु की कमी होगी, तो वहाँ पर बीमारियाँ उत्पन्न हो जाएंगी जी। तो मेडिकल योगा में खासियत क्या है, हम लोग प्रॉप्स का सहारा लेते हैं, जैसे रस्सी है, बेल्ट है, बेडशीट है, तकिया है, पीलो है, कुर्सी जो आपके घर में मोस्टली मिलती है, उन चीज़ों का सहारा लेकर जो आसन उनसे नहीं होते उन आसनों को हम कराते हैं। और हमारा एक ही टारगेट रहता है कि जिस बहुत सारे ट्रैक्शंस हैं, बॉडी अलाइनमेंट्स हैं, उन सब को ध्यान में रखते हम उन सब बीमारियों का हम ट्रीटमेंट करें। फ्रॉम हेल्थ टू हैप्पीनेस, ये आपका योग मंत्र है जी। आप इसे कैसे व्याख्यायित करना चाहेंगे? अभी दुनिया में देखता हूँ कोई शरीर के पीछे भाग रहे हैं जी। कोई मन के पीछे भाग रहे हैं, कोई सिर्फ प्रवचन के पीछे भाग रहे हैं, तो इन सब का संगम होना चाहिए। योग सबका संगम है जी। इसलिए मैंने फिर से कहा फ्रॉम हेल्थ टू हैप्पीनेस, आप अगर अच्छे हैं ना तो अपने किसी भी मायने को, मैं आप सबको कि डोंट कॉम्प्रोमाइज योर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और हैप्पीनेस तभी आती है जब रियल में आप योग करते हैं, शरीर के दृष्टि से, मन के दृष्टि से और आत्मा की दृष्टि से। तो क्या हुआ, आसन क्रियाएं या किसी भी तरह के एक्सरसाइज, मैं नहीं बोलता आप क्या करो क्या मत करो, प्राणायाम जरूर करें अपने लाइफ में, उससे मन शांत होता है। अगर आपका एक घंटे का प्लान है तो 15 से 20 मिनट प्राणायाम को जरूर दीजिए। और मैं तो यहाँ तक कि तो नारायण जी आपको कुछ जाना ही नहीं, प्राणायाम आपको नहीं आता मत करिए, आंखें बंद करके अपने आते जाते श्वासों को देख सकते हैं कि नहीं, अनुभव कर सकते हैं जी। इसके लिए को अलग से जगह चाहिए कि आपको, आप बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, फ्लाइट में बैठे हैं, इतना तो इवन ऑफिस में भी बैठे हैं, तो मैं कहता हूँ कि कुछ पल अपने लिए निकालें, कुछ नहीं तो आंखें बंद करके अपने सांसों को देखें, तो ध्यान तो अपने आप हो जाएगा, प्राणायाम तो अपने आप ही हो जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में योग के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल योगा की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। जैसे अपने बॉडी को हील करने के लिए इससे बड़ा चीज़ नहीं हो सकता, तो मैं सबको कहता हूँ कि हील योर सेल्फ। पहली बात तो नौबत ही नहीं आए, और नौबत आए तो इसका एक, अगर हम, मैं चाहूँगा कि इसका बहुत, आप देखिए एक घुटने का ऑपरेशन हम करते हैं 3 से 4 लाख रुपए लग जाते हैं, कोई बात नहीं, उसे कुछ बाउंड्रीज हैं जी। क्या बाउंड्री है, आप नीचे नहीं बैठ सकते, आप प्रॉपर चल नहीं सकते, उसका एक पर्टिकुलर घुटने का एक उम्र होता है ना, जैसे इतने साल का, तो हम वहाँ तक जाएँ क्यों? अगर आप नियमित अभ्यास करेंगे तो वो सब चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा जी। अच्छा रिठाकराम जी, आपने दूरदर्शन के लिए, योग संवाद के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं बहुत बहुत आभार आप लोगों का कि आपके माध्यम से जन जन तक योग का प्रचार प्रसार होगा, तो मैं दूरदर्शन को बहुत बहुत आभारी और मेडी हूँ। नमस्कार। और अब समय है आज के योग मंत्र का। जो व्यक्ति सभी को समबुद्धि से देखता है, चाहे वे सहृदय हों या मित्र, शत्रु हों या अनजान, मध्यस्थ हों अथवा द्वेष रखने वाले संबंधी, धर्म परायण हों या पापी, वस्तुतः वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। He is a supreme yogi who regards with equal mindedness all men, patrons, friends, enemies, strangers, mediators, hateful beings, relatives, the virtuous and the ungodly.
करें योग और रहें निरोग। आइए देखते हैं आज का हमारा योग का सूत्र क्या है। नमस्ते, मैं मर्सी डिक्लूस। आज हम करेंगे आसन जो रसोली के गांठ में होने वाले दर्द में मदद कर सकता है। सबसे पहले हम करेंगे भद्रासन। हमारे पैर को आगे लेकर आना है, धीरे से हिलाना है ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो। दोनों तलवों को जोड़कर हम जितना मुमकिन हो सके उतना मूलाधार के पास लेके आना है। हाथों से पैरों के अंगूठे को पकड़कर हमें बटरफ्लाई के पोजीशन में ऊपर नीचे करना है। इसको हम एक मिनट तक कर सकते हैं। अगर आपका पैर जमीन पे नहीं टच हो रहा हो, इसको हम रेगुलर प्रैक्टिस से बेहतर कर सकते हैं। आराम से हमें पूर्व स्थिति में आना है। दूसरा आसन हम करेंगे वो है मंडुकासन। सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे। अंगूठे को उंगलियों में बंद करके हम नाभि के दाएं बाएं रखेंगे। सांस छोड़ते हुए हम आगे की ओर बेंड करेंगे। ये करते हुए हम कमर और पीठ को सीधा रखेंगे। सांस लेते हुए हम धीरे से पूर्व स्थिति में आएंगे और विश्राम करेंगे। और अब बिहार से बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर है आरक्षण को लेकर के। पटना हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। पटना हाई कोर्ट का एक फैसला आया है कि बिहार में 65% के आरक्षण कानून को रद्द कर दिया गया है। आपको बताएं कि पहले 50% का आरक्षण था, अब हाई कोर्ट ने कहा है कि ये सीमा तोड़ी नहीं जा सकती। 50% से ज़्यादा जो आरक्षण है अब उसको रद्द कर दिया गया है। पहले 50% का आरक्षण था, 65% का आरक्षण कानून को ही अब रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है। ये बड़ी खबर आ रही है आज बिहार से। जातीय सर्वे के बाद ये कोटा बढ़ाया गया था। जातीय सर्वे के बाद इस आरक्षण का जो दायरा है उसको बढ़ाने का फैसला लिया गया था, और पिछली सरकार का जो फैसला है अब रद्द कर दिया गया है। आपको याद होगा कि इसको लेकर के बड़ी राजनीति भी हुई थी। बिहार में जाति सर्वे को लेकर के बड़ी राजनीति हुई थी और उसको चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था। इसके बाद जो पिछली सरकार ने आरक्षण लिया था 65% का, अब उस कानून को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। पहले के 50% आरक्षण के दायरे को ही, उस सीमा को ही बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है बिहार से, इस पर हम लगातार निगाह बनाए रखेंगे। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि जाति सर्वे के बाद इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया गया, अब उस पर हाईकोर्ट ने एक तरह से पलटवार करते हुए उस पर अब रोक लगा दी है। यानी जो पुराना कानून जो 2023 में बिहार सरकार ने बनाया था, अब वो रद्द हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच सऊदी अरब के मक्का में हज यात्रियों की मौतों की संख्या बढ़कर के अब 562 पर पहुंच गई है। चिकित्सा कर्मियों ने बताया कि मृतकों में 320 मिस्र के रहने वाले हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे जैसे दुनिया और गर्म होगी, स्थिति और भी बदतर होती जाएगी। सऊदी अरब के अधिकारियों के अनुसार पिछले साल 2000 से ज्यादा लोग गर्मी से प्रभावित हुए थे। आईसीसी T20 विश्व कप में आज भारतीय क्रिकेट टीम सुपर 8 के अपने पहले मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। ग्रुप मैच में टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा। T20 क्रिकेट में अफगानिस्तान कभी भी टीम इंडिया को हरा नहीं पाई है। T20 विश्व कप में ग्रुप दौर में शानदार प्रदर्शन करने के बाद रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम की नजर सुपर 8 में अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की होगी। सुपर 8 के पहले मुकाबले में भारत का सामना अफगानिस्तान से होने जा रहा है। टीम इंडिया ने ग्रुप दौर में पाकिस्तान, अमेरिका और आयरलैंड को हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान के साथ सुपर 8 में प्रवेश किया है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही टीम इंडिया काफी संतुलित नजर आ रही है। बल्लेबाजी में विराट कोहली की फॉर्म चिंता का विषय बनी हुई है। कोहली ग्रुप दौर के तीनों मैचों में बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे। ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ वो पुरानी लय वापस पाना चाहेंगे। रोहित शर्मा ने टीम को अच्छी शुरुआत दी है। वहीं ऋषभ पंत लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ने टीम को जीत दिलाकर मध्यम क्रम की मजबूती दिखाई थी।
जसप्रीत बुमराह के नेतृत्व में भारतीय गेंदबाजों ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। बुमराह आयरलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, हालांकि अमेरिका के खिलाफ उन्हें विकेट नहीं मिली थी। मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह ने दूसरे छोर पर बुमराह का अच्छा साथ निभाया है। हार्दिक पांड्या ने भी जरूरत के समय अच्छी गेंदबाजी की है। भारत के लिए सुपर 8 का यह मुकाबला आसान नहीं होगा, उसे अफगानिस्तान से कड़ी टक्कर मिलेगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ अंतिम ग्रुप मुकाबले को छोड़ दें तो अफगानिस्तान ने ग्रुप दौर में शानदार खेल दिखाया था। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रन से हराकर सभी को चौंका दिया था। इसके अलावा टीम ने युगांडा और पापुआ न्यूगिनी को शिकस्त दी थी। अफगान टीम के खिलाड़ी फॉर्म में हैं और बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, लिहाजा टीम इंडिया को सतर्क रहने की जरूरत होगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक 8 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से टीम इंडिया ने 7 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है। यानी भारत T20 में अब तक एक बार भी अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं हारा है। हालांकि बारबेडोस के मैदान पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। भारत ने इस मैदान पर आखिरी बार साल 2010 में T20 इंटरनेशनल मैच खेला था, जिसमें इंडिया को हार मिली थी। शुरुआत हो चुकी है सुपर 8 स्टेज की। भारत का पहला मैच है अफगानिस्तान से। क्या विराट कोहली अपना खोया हुआ फॉर्म फिर से पा पाएंगे? क्या अफगानिस्तान जिस तरीके से वेस्ट इंडीज के साथ शिकस्त मिली थी उससे उबर पाएगा? देखना दिलचस्प होगा इस मैच में। क्या पर सुरेश जयशंकर के साथ मैं तापोष भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, बारबाडोस। अब भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने कहा है कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी दुनिया भर की क्रिकेट लीग में खेलते हैं और उनके पास T20 क्रिकेट का भी बड़ा अनुभव है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय टीम अफगानिस्तान को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेने जा रही। We know Afghanistan is a very dangerous team in this format of the game. They've shown their performances in this World Cup. But also I think if you just look at their squad, they might not have a lot of international experience as in the other formats of the game, but a lot of their players do play in a lot of T20 leagues, more than in fact some of our players do. But they are, you know, sort of well-traveled cricketers, especially in the T20 circuit, T20 league. A lot of them very prominent members of their IPL teams, other teams as well. So certainly in this format, they're not a team to be taken lightly. They're deservedly in the Super 8s. And we will not treat them any differently as we would treat any other team that we expect to play in the Super 8s. और टीम चयन के बारे में राहुल द्रविड़ ने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए प्लेइंग 11 चुनी जाएगी। उन्होंने कहा कि रिस्ट स्पिनर्स को भी इस बार मौका मिल सकता है। A lot of thought has gone into the squad, keeping all kinds of conditions in mind. We've lucky that we've got a few all-rounders in the mix that allow us to be able to do that. So like you rightly said, even though in New York we had 8 batting options, we also had 7 bowling options. So we had both sides covered to a large extent. Yes, of course, the wrist spinners we do understand play a big role. We've got 2 really quality wrist spinners. So certainly I'm sure that they will come into this tournament sooner rather than later. अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कोच जोनाथन ट्रॉट ने कहा कि आईपीएल में उनके खिलाड़ी अपने निजी प्रदर्शन से सबको प्रभावित कर चुके हैं, लेकिन अब उन्हें एक यूनिट के रूप में शानदार प्रदर्शन करने की जरूरत है। I think we've had as you see in the IPL, we got a lot of players playing a lot of T20 cricket around the world. And now it's about putting that together as a side. I think in the past we've had some good individual players, but we need all those players playing together as a side, and we've seen that at times in the group stage. So that's really exciting going into tomorrow's game. Here at a great venue like Barbados, that only sets up well, and against a side like India, that's an added bonus. तो फिलहाल समाचार के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं गुर्दे के कैंसर से जुड़ी हमारी इस खबर के साथ। गुर्दे का कैंसर काफ़ी लोगों को प्रभावित करता है। जल्दी पहचान और सही समय पर अगर इलाज किया जाए तो इस गुर्दे के कैंसर को ठीक भी किया जा सकता है। ये आपको समझाते हैं कौन से कारक हैं और इसके खतरे को कौन से बढ़ाते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्योंकि आज है विश्व गुर्दा कैंसर जागरूकता दिवस। नमस्कार। आज विश्व गुर्दा कैंसर जागरूकता दिवस है। गुर्दे का कैंसर एक आम समस्या है जो काफी लोगों को प्रभावित करती है। किडनी कैंसर यानी गुर्दे का कैंसर एक ऐसा रोग है
जिसकी शुरुआत गुर्दे से ही होती है। ये अवस्था तब होती है जब एक या दोनों किडनी में कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और एक गांठ यानी ट्यूमर का रूप ले लेती है। महिलाओं और पुरुषों में सबसे ज्यादा पहले 10 कैंसरों में किडनी कैंसर एक है। तकरीबन 4% कैंसर पेशेंट्स जो नेव डिटेक्ट होते हैं उनको किडनी कैंसर होता है। किडनी कैंसर के बारे में ऐसी ही जानकारी देने के लिए और उसके बारे में पूरे समाज में जागरूकता लाने के लिए वर्ल्ड किडनी कैंसर डे मनाया जाता है। गुर्दे की कोशिकाओं में परिवर्तन और कैंसर ग्रस्त होने का कोई कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ कारक हैं जो गुर्दे के कैंसर की संभावना को बढ़ा देते हैं। धूम्रपान करना, अधिक वजन या मोटापा, उच्च रक्तचाप, क्रॉनिक किडनी डिजीज या गुर्दा रोग के लिए डायलिसिस उपचार पर रहना, गुर्दे के कैंसर का पारिवारिक इतिहास, दर्द निवारक दवाएं अधिक समय तक लेना, कुछ दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियां गुर्दे में कैंसर की संभावना को बढ़ा सकती है। किडनी कैंसर बड़ी आसानी से अल्ट्रासाउंड से पता चल सकता है। हालांकि किडनी कैंसर होने के बहुत ज्यादा संकेत शुरू में नहीं मिलते, कई बार कमर में दर्द, पेशाब में खून आना, लाल रंग का पेशाब आना, ये सब लक्षण हो सकते हैं किडनी कैंसर के, बट ये सब बहुत लेट होते हैं। एक अल्ट्रासाउंड बहुत आसानी से किडनी कैंसर की परेशानी के बारे में बता सकता है। किडनी कैंसर का पता आमतौर पर तब चलता है जब पेट की किसी समस्या के लिए जांच करवाई जाती है। जैसे जैसे ट्यूमर या गांठ का आकार बढ़ता है, व्यक्ति में इसके लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। ये कैंसर ऐसा है जो अगर समय पर पता चल जाए तो ऑपरेशन के जरिए पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। और आजकल इतनी तरह की नई किस्म की दवाइयां आ गई हैं कि अगर एडवांस स्टेज में भी किडनी कैंसर का पता चले तो उसका भी बहुत अच्छे से बहुत इफेक्टिवली इलाज हो सकता है। कई बार कंप्लीट क्योर एडवांस स्टेजेस में भी हो सकता है, नहीं तो डिजीज को रोका तो जा ही सकता है। अगर आपको अल्ट्रासाउंड में कोई नई गांठें पता चली हैं या वो गांठें अल्ट्रासाउंड में देखने में सस्पिशियस या कैंसर का शक देती हैं, तो जरूर अपने नजदीकी डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट से मिलें और अपनी आगे की जांच जरूर करें। यदि इलाज में विलंब हो तो गुर्दे के कैंसर की गंभीरता बढ़ सकती है, कैंसर एडवांस स्टेज में पहुंच सकता है और शरीर के अन्य अंगों में फैल जाता है। आवश्यक है कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और जोखिम कारकों को दूर करें जिससे गुर्दे में कैंसर की संभावना को कम किया जा सके। किरण भारद्वाज, DD News।